हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10। ये यूनिट नंबर 4 होने वाला है DSC 3 का, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म एंड इंडिया। ठीक है, इसके अंदर हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक रिकैप देती हूँ आपको। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो नेशनलिस्ट फेजेस है, क्या डिफरेंट तरीके के नेशनलिस्ट फेजेस है। उसमें हमने पहला फेज पढ़ा था लिबरल इंटेलिजेंसिया, जिसे हम मॉडरेट्स भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, और थर्ड नंबर पे अब हम पढ़ रहे हैं गांधीयन फेज। ये लास्ट फेज होने वाला है, क्योंकि आपको पता है गांधी जी जो है आते हैं एक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम पे और इंडिया के इंडिपेंडेंस तक के जो है साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन जो है कहते हैं। कौन कहते हैं उन्हें? सुभाष चंद्र बोस। और जो है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है गांधी जी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि किसी किसी को लगता है कि मेरी वॉइस जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, आप जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं, 0.5x पे देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रही हूँ, आप 1.5x पे देख सकते हैं, एज योर विश। इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, इसके लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें ज्वाइन कर जो है आप नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। और ये मटेरियल जो मैं रेफ़र कर रही हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं अपलोड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा कि गांधी जी जो है उनका राइज किस तरीके से हुआ, उनकी शुरुआत किस तरीके से हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सत्याग्रह जो होता है, सत्याग्रह के क्या आइडियल्स थे वो हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी रिटर्न कब आते हैं इंडिया में वो हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए गांधी जी के बायोग्राफी के बारे में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि गांधी जी एक नेशनलिस्ट लीडर थे, इसलिए आपको थोड़ा बहुत उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, उन्होंने 3 मूवमेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्च किए थे, जिनका नाम है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, और इसके अलग अलग ईयर थे और अलग अलग इसके कॉजेज थे और अलग अलग इसके जो है अफेक्ट थे, वो हम सब डिस्कस करेंगे। इसको अगर आपको याद रखना है, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। आपको जो है ट्रिक ये है, केक आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, केक की तरह पे। केक मतलब सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह था, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह और फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो आप फर्स्ट लेटर से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे रॉलेट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, और जलियांवाला बाग मसैकर जो भी बहुत ज़्यादा इनफेमस एक एक्ट था वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि गांधी जी जो है गांधी जी ने किस तरीके से मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी के लिए काम किया, और चौरी चौरा इंसिडेंट जो बहुत फेमस है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी आपकी 6th, 7th, 8th या फिर हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ी होगी। इस बार हमारा जो इसको पढ़ने का मकसद है, इसका मकसद ये है कि हम चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करें। इसके अलावा हम देखें कि हर एक चीज़ को हम सबल्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें और ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से भी देखें। तो आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने का काम है इस चैप्टर का। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा जो है डिस्कशन चलता रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट तक है। तो शुरुआत करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जो है एक पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मासेस को जो है फ्रीडम स्ट्रगल में लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की पॉलिसीज ऐसी थी। कैसे? देखिए, अगर थोड़ा सा आप रिकैप में जाते हैं, आपको बाल गंगाधर तिलक दिखेंगे, आपको जो है बहुत सारे लीडर्स दिखेंगे, लाला लाजपत राय दिखेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि उन्होंने कोई ना कोई पर्टिकुलर रिलीजन को चुन लिया था, पर्टिकुलर सेक्ट को चुन लिया था कि वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर पाए? वो लोग ना, अगर वो हिंदूज के लिए काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ हिंदूज के लिए काम कर रहे थे, अगर वो मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे थे। लेकिन गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बोला कि नहीं, हमें हिंदूज के लिए भी काम करना है, मुस्लिम्स के लिए भी काम करना है, सिख के लिए भी काम करना है, मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का देश नहीं है, ये हर एक जो है इंसान का देश है जो इस कंट्री में रह रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जो फोकस किया, उसके वजह से भी एक बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हीरो के नाम पे ये उतर कर आते हैं। सेकेंडली, हम देखेंगे कि उनका जो ड्रेसअप आप देखोगे, जो पहले के जो लीडर्स थे उनका ड्रेसअप बहुत अलग था। जब आप गांधी जी को इमेजिन करते हो, आपने गांधी जी को किस तरीके से इमेजिन करते हो कि वो एक हाथ में जो है अपने हाथ में जो है एक लाठी लिए हुए हैं, और जो उन्होंने जिस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है वो एक पुअर पीजेंट की तरह जो है ड्रेसअप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ड्रेसअप होने के कारण वो बहुत ज़्यादा पीजेंट के साथ जो है अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि एजुकेटेड एलीट जो है वो बहुत कम था, और जो पीजेंट्स थे, जो पुअर थे, वो बहुत ज़्यादा थे। तो ज़्यादातर पुअर्स के साथ रिलेट करने का काम था गांधी जी का, और वो एक सिंपल लिविंग जीते थे और कॉमन मैन की तरह ड्रेसअप करते थे। वो बोलते थे कि मुझे एक ऐसी कंट्री के लिए काम करना है
जिस कंट्री में पुअरेस्ट जो है उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसकी कंट्री है, और जहाँ पर लोअर और हायर क्लासेस ना हो, जहाँ पर वेमेन जो है ट्रीटेड हो इक्वली एज मैन, और वहाँ जहाँ पर इनटचेबिलिटी ना हो। और यही देश था उसका, उनका जो है ये देश जो था वो इस तरीके के देश की कल्पना करते थे, और ये उनके सपनों का देश था। और गांधी जी जो है बेसिकली अगर हम उनकी लाइफ में देखें तो तीन मेन कॉजेज़ के लिए काम करते हैं। पहला कॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो उनकी बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट था उनके लिए। सेकेंड कॉज फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट उनका फ़ाइट। थर्ड जो है वेमेन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना सोसाइटी में। ये एक तीन ऐसे कॉसेस थे जिसके लिए गांधी जी जो है काम किया करते थे। अब शुरू से शुरुआत करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था, आपने बचपन से पढ़ा होगा। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर, और यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी लीगल एजुकेशन जो है ब्रिटेन से कंप्लीट की, और फिर साउथ अफ्रीका में जाकर जो है अपनी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी अपार्थिड के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पर भी उन्होंने जो है सत्याग्रह लॉन्च किए थे, और कहीं कहीं पर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। और वहाँ पर भी उनका काम यही था कि वो रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि इंडियंस जो थे उस टाइम पे जब साउथ अफ्रीका जाया करते थे तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, और वो डिस्क्रिमिनेशन के चलते जो है गांधी जी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं, जितने भी इंडियन साउथ अफ्रीकन कॉलोनीज पे काम कर रहे हैं उन सब के लिए जो है लड़ाई लड़ी। और आप देखोगे कि उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस रह रहे थे उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थी, उनकी कंडीशंस, उनके स्ट्रिंजेंट लॉस उन पर लगाए गए थे, उनको वोट देने का कोई हक नहीं था। सेकेंडली उनको ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था जो हाइजीनिक अनहाइजीनिक है और कंजस्टेड है। थर्डली उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे, और साथ साथ उनको अलाउड नहीं था कि आप रात के 9 बजे के बाद बाहर निकलें। ऐसे ऐसे अजीब अजीब तरीके के लॉस उन पर लगाए जाते थे। तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका के अथॉरिटीज से बात करके जो है चाहते थे कि इंडियंस जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी कंडीशन से उनको अवेयर करवाना चाहते थे। सेकेंडली उन्होंने इस चीज़ के लिए एक कांग्रेस को एक सेटअप स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस, और उन्होंने एक पेपर भी शुरू किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अब उन्होंने ये जो ट्रिक है सत्याग्रह की, ये ट्रिक उन्होंने वहीं पर बनाई थी साउथ अफ्रीका में। तो जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि फेमसली कहा जाता है कि इट वॉज साउथ अफ्रीका वेयर इट वॉज द मेकिंग ऑफ गांधी। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ऑलरेडी वो ट्रिक जो है अपना के रखी थी, टेक्निक अपना के रखी थी सत्याग्रह की, जो कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। अब वहाँ पर से आने के बाद जो है गांधी जी वही ट्रिक इंडिया में अपनाते हैं, और वो बहुत हद तक के सक्सेसफुल भी होती है। अब देखिए आपको ऐसा लगेगा अक्सर जब सत्याग्रह का नाम आता है तो सत्याग्रह का नाम आता है या नॉन कोऑपरेशन का नाम आता है तो अक्सर आपके दिमाग में गांधी जी की इमेज आती होगी। आपको लगता होगा कि इनके जो शुरुआत करने वाला जो पर्सन है ये गांधी जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपने आप में बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने बहुत सारे वर्क पढ़े थे, इवन उन्होंने मार्क्स के वर्क्स पढ़े थे, हेनरी डेविड थोरियो, जॉन रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय के उन्होंने वर्क्स जो है वो पढ़े थे। तो ये सारे वर्क वो पढ़ते थे, और कहीं ना कहीं उनका जो इंस्पिरेशन है ये उनके उनसे ही आता था। तो वो एक तरीके के, कुछ लोग गांधी जी को पैसिफिस्ट एनार्किस्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये थे कि गांधी जी जो है अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज को कंबाइन करके उन्होंने जो है इस सत्याग्रह की आइडियोलॉजी को बनाया था। और सेकेंडली गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसके ऑफकोर्स ही बात है दो पिलर पे खड़ी हुई थी, वो थे नॉन वायलेंस और ट्रुथ, ठीक है, यानी सच और नॉन वायलेंस। और वो बोलते थे कि हर इंसान जो है सत्याग्राही बने बाय हार्ट। और सत्याग्राही बनने का मतलब क्या होता है? तो सत्याग्राही होने के बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि सत्याग्राही जो होता है, जो सच्चा सत्याग्राही होता है, वो ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, और साथ ही कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है या कोई भी अन्याय हो रहा है तो उसमें वो कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सच्चा सत्याग्राही को हमेशा जो है कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए। तीसरी बात, उसे जो है हमेशा जो है पैसिव मोड्स ऑफ रेसिस्टेंस लेना चाहिए, जैसे कि अगर किसी के खिलाफ अपोज भी करना है तो कुछ पैसिव तरीके से जो है रेसिस्टेंस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनके जाकर जो है आग लगा दोगे, किसी को मार दोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो एक्टिव मोड्स ऑफ रेसिस्टेंस नहीं लेना है आपको, पैसिव मोड्स ऑफ रेसिस्टेंस लेना है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करोगे, पोस्ट छोड़ दोगे, ठीक है,
आप जो है टैक्स नहीं भरोगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है पैसिव मोड्स ऑफ रेजिस्टेंस होती हैं। और सेकेंडली, जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, जैसे गांधी जी की एक फेमस फिलोसफी होती है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा काल दो दूसरा थप्पड़ मारने के लिए, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको हेट्रिड नहीं रखनी है, और बल्कि आपको जो है अपने अपने दिल में उसके लिए लव और कंपैशन रखना है, ताकि अब वो जो है आपके जो है आपका जो लव और कंपैशन देखकर सामने वाला जो है चेंज हो जाए। ठीक है। और वो बोलते हैं कि कभी भी जो है आपको गलत चीज़ के खिलाफ जो है गलत गलत चीज़ के सामने जो है झुकना नहीं है। अब गांधी जी, क्योंकि आप देखोगे पहले के जो लीडर थे उन लोगों के पास एक एम था, लेकिन उनके पास एक फिलॉसफी नहीं थी, और इसी के कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। और बात करते हैं जब गांधी जी की, तो गांधी जी के पास एम भी था और फिलॉसफी भी थी। ठीक है। एम था स्वराज और फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की। ठीक है। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि नॉन वायलेंस और ये जो सत्याग्रह की बात हो रही है, ये अक्सर जो वीक लोग होते हैं वो अपनाते हैं, लेकिन गांधी जी का कहना उल्टा था। गांधी जी कहते थे कि जो वायलेंस होता है वो वीक लोग अपनाते हैं, ठीक है, और जो ये नॉन वायलेंस बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो है क्या कहते हैं, बहुत ब्रेव और स्ट्रांग लोग ही जो है इसे अपना सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि जब गांधी जी जो है उस टाइम तक के जब साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है अपने एफर्ट्स डाल दिए थे और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा काम किया, उसके बाद गांधी जी 1915 को जो है इंडिया में वापस आते हैं। इससे पहले भी एक बार आए थे, लेकिन जो ऑफिशियली जब गांधी जी हमेशा के लिए इंडिया में आ जाते हैं, जब वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो वो 1915 में आते हैं। और गांधी जी को ही पता था, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, तो उनको ये पता था कि इंडिया के अंदर अगर हमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ना है तो हमें ज़रूरत है बहुत सारे लोगों की, कॉमन मासेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। हमें सिर्फ एलिट लोगों की ज़रूरत नहीं है जो डिबेट करे निगोशिएशन करे, बल्कि हमें कॉमन मासेस की ज़रूरत है। और क्योंकि गांधी जी बाहर से आए थे, तो आपको पता है कि गांधी जी जब बाहर से आए थे तो उनको जो है इंडिया की सिचुएशन नहीं पता थी ग्राउंड लेवल की, तो इसलिए वो चाहते थे कि पहले मैं ग्राउंड लेवल सिचुएशन देखूँ समझूँ, और उसके बाद वो चाहते थे कि जो पुअर लोग हैं और जो रिच पीपल हैं उनके बीच का वो गैप जो है एलिमिनेट करें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, मतलब करीबन 1 साल तक वो घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझते रहते हैं। अब बात करते हैं एक एक मूवमेंट की जो गांधी जी ने लॉन्च किए हैं। तो इनिशियली जो मूवमेंट्स गांधी जी ने लॉन्च किए हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें तो हम उसको 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। वो 5 हिस्से क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। चंपारण सत्याग्रह 1917, मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई थी याद करने की, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो तीनों जो है एक के बाद एक होते हैं, चंपारण और फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। और उसके बाद आता है हमारा रॉलेट एक्ट 1919 और फिर जलियन वाला बाग मसैकर 1919। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट में ब्रीफ में हमेशा से आपकी जो स्कूल में जो है पढ़ा होगा। अब हमारा काम है कि थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है वो चंपारण सत्याग्रह था। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह को आप बोल सकते हो कि पहली बार जो है इंडिया में जो है लोगों को, भले ही पूरा इंडिया उसमें साथ में नहीं आया था, लेकिन इंडिया में पहली बार जो इस तरीके का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है। अर्लियर भी बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च हुए थे, स्वदेशी वगैरह, लेकिन ये मूवमेंट उनसे डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था वो समझते हैं हम। देखिए, जब गांधी जी जो है चंपारण पहुंचते हैं, आपको मैंने, अगर आपने जो अपना स्टोरी पढ़ी होगी, एक लुइस फिशर द्वारा जो है इंडिगो कर का आपको चैप्टर होगा जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा क्लास 12th में प्रोबेबली, तो आपने वहाँ पर समझा होगा कि किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने उनकी बायोग्राफी से वो लिया गया है, तो उसमें बताया गया है कि एक एक जो है पीजेंट रहता है राजकुमार शुक्ला। तो जब गांधी जी जो 1960 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जब आकर लेक्चर देने जाते हैं, उस टाइम पे राजकुमार शुक्ला जो कि एक पीजेंट रहता है, वो बोलता है गांधी जी को कि आप जो है आइए और जो हमारी कंडीशन है उसको बारे में देखिए। तो फिर गांधी जी बोलते हैं ठीक है, और फिर थोड़ा टाइम बाद वो गांधी जी जब उनके साथ जाते हैं और फिर उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वो समझते हैं और सब आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर में, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि गांधी जी उस टाइम पे जो है समझते हैं कि क्या क्या उनको सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीजेंट्स जो होते हैं उनको एक सिस्टम दिया जाता है जिसका नाम रहता है 3 कथिया सिस्टम। ठीक है। 3 कथिया सिस्टम में क्या होता है कि उन्हें जो है इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता है इंडिगो क्या होता है, एक तरीके का प्लांट होता है जिससे
ब्लू कलर की डाई जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये इंडिगो क्यों उगाने लगाया जाता है, क्योंकि ये इंडिगो जो है डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है टू द ब्रिटिशर्स, जो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है, स्पेशली क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो उन्हें जो है 1/320 पार्ट, मतलब जितना भी वो उगाएंगे उसका 1/320 पार्ट जो है उन्हें बेचना पड़ता है प्लांटर्स को, ठीक है। और प्लांटर्स को वो जिस प्राइस पे बेचेंगे वो खुद की प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, प्लांटर्स जो प्राइस बोलेंगे वो प्राइस उनको उस प्राइस में उनको बेचना पड़ेगा। तो ये कितना अनजस्ट सिस्टम हुआ। तो इस सिस्टम के खिलाफ जो है गांधी जी जो है लोगों को इकट्ठा करते हैं, और फिर सब लोगों को जो है इस चीज़ में जो है गांधी जी इकट्ठा करते हैं और फिर रिवॉल्ट करते हैं, और जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो कि कहलाता है। सेकेंड मूवमेंट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल क्या होती है, यहाँ पर एक कॉटन मिल होती है अहमदाबाद में, और वहाँ पर जो वर्कर्स की कंडीशन होती है वो बहुत बेकार होती है। यू वर्कर्स की कंडीशन मतलब लिविंग कंडीशंस की बात कर रही हूँ मैं, वर्कर्स की कंडीशन मतलब जो ब्रिटिशर्स ने उनको वर्किंग कंडीशंस दी है वो बहुत ख़राब रहती है। आपको पता होगा कि जो वर्कर्स की कंडीशन 18-19 सेंचुरी में ब्रिटेन में यूरोप में भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको प्रॉपर हाइजीन नहीं मिलता था, उन्हें शिप वेसल्स में डालकर जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था जैसे कि वो कोई कमोडिटी हो, और वहाँ पर जाकर उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनको प्रॉपर मील्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, 16-18 आवर्स उनसे काम करवाया जाता था और बहुत कुछ। और उनकी जो रहने की जगह होती थी वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक रहती थी और कंजस्टेड रहती थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का चल रहा था, तो वैसी ही एक्सप्लॉयटेशन जो है फेस कर रहे थे हमारे इंडियंस इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो मिल थी वहाँ पर भी जो है पुअर वर्किंग कंडीशंस होने के साथ साथ वहाँ पर जो उनकी वेजेस थी वो भी बहुत कम थी, और इसी के खिलाफ जो है गांधी जी ने जो है वहाँ पर उनका जो है साथ दिया 1918 के अंदर, और उन्होंने बोला कि आपको जो है 35% इंक्रीज करने की बात करनी है ब्रिटिशर्स से, और आपको सत्याग्रह टेक्निक का यूज़ करना है। सत्याग्रह टेक्निक मतलब यही कि आप स्ट्राइक कर दो और आपको जो है काम नहीं करना है, और आप बोलो कि मुझे 35% इंक्रीज करो आप हमारी वेजेस में, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसके पहले हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और इसे जो है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस होता है वो हम बाद में समझेंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था चंपारण जो है चंपारण फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस था, ठीक है, और जो हमारा खेड़ा है वो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, यानी क्या डिफरेंस है वो हम चैप्टर के लास्ट में समझेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि इस मूवमेंट में गांधी जी क्या करते हैं। तो इस मूवमेंट में गांधी जी जो है फार्मर्स को बोलते हैं कि आप अननेसेसरी टैक्स मत पे करो, क्योंकि खेड़ा में क्या होता है, खेड़ा जो है एक सिटी है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर जो है जो लोगों के जो है क्रॉप फेल हो जाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्योंकि टैक्स लगा के रखा था कि आपका क्रॉप फेल हो या कुछ भी हो आपको जो है हमें टैक्स पे करना है, तो इसलिए जो है ब्रिटिशर्स को जो ब्रिटिशर्स के इसके खिलाफ जो है गांधी जी कहते हैं कि आप टैक्स मत पे करो। और ब्रिटिशर्स फिर फाइनली जो है ब्रिटिशर्स इस बारे में जो है हार जाते हैं, और साथ ही क्या करते हैं ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि नहीं हम चार्ज नहीं करेंगे टैक्स, और इस तरीके से जो है गांधी जी जो है इस पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और साथ साथ जितने भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जो जो प्रॉपर्टी उन्होंने फोर्सफुली ले ली थी फार्मर से वो भी उनको वापस दे देते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद जो है मतलब इस पर्टिकुलर एक्शन के बाद गांधी जी जो है एक लीडर के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जो है क्योंकि ब्रिटिशर्स के सामने गांधी जी ने जो है एक तरीके का ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया जो कि अर्लियर नेशनलिस्ट लीडर नहीं दिखा पाए थे। अब बात करते हैं रोलेट सत्याग्रह की। तो रोलेट सत्याग्रह में अब तो जैसे कि खेड़ा में क्या हुआ था कि सिर्फ खेड़ा के जो लोग थे वो गांधी जी के साथ थे, चंपारण में सिर्फ चंपारण के लोग थे, और अहमदाबाद में सिर्फ अहमदाबाद के लोग थे। लेकिन अब जो रोलेट सत्याग्रह होने वाला था तो गांधी जी ने इस बार सोचा था कि अब मुझे पूरा नेशन को जो है अपने साथ लेना है। तो गांधी जी ने क्यों रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था उसके बारे में हम समझते हैं। तो होता क्या है उसका बैकग्राउंड समझते हैं। एक कमेटी बिठाई जाती है ब्रिटिशर्स द्वारा, उस टाइम पे आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम होना चाहिए क्या चल रहा था। उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो 1914 से लेके 1918 तक के, और जो 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने को आता है तब जो है ब्रिटिशर्स द्वारा जो है एक कमेटी बिठाई जाती है जिसके लीडर होते हैं जस्टिस एस रोलेट, इसलिए इनका नाम जो है रोलेट एक्ट पड़ा। तो जस्टिस एस रोलेट जो है वो उसके हेड होते हैं। उसमें जो है ब्रिटिशर्स को ये फैसला किया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पावर्स क्यों दी जाती है कि
जितने एक्स्ट्रा पावर इसलिए दी जाती है क्योंकि आप उस टाइम समझिए जब वर्ल्ड वार वन हो रहा है और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक तरीके का जो है डिसकंटेंटमेंट जो है रहेगा, क्योंकि आप देखोगे कि इंडियन सोल्जर्स बहुत सारे जो है लड़ने के लिए गए थे ब्रिटिशर्स के लिए इन द वर्ल्ड वार वन, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का डिसकंटेंटमेंट था। और इसी टाइम पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा, ब्रिटिशर्स को ये पावर मिल गई थी कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको आप जेल में डाल सकते हो 2 साल में, 2 साल के लिए और विदाउट एनी ट्रायल। तो देखिए कभी भी जेल में डालने से पहले किसी भी बंदे का जो होता है ट्रायल होता है, मतलब उसकी जो होती है पेशी होती है जज के सामने, लेकिन वो भी जो है वो जो है एक तरीके का जो राइट होता है वो छीन लिया गया था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो प्रेस है प्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया गया था, मतलब कोई भी तरीके का जो नेशनलिस्ट आर्टिकल है, नेशनलिस्ट आर्टिकल जो है वो नहीं छप सकता है ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना, जिसको आप आज कहते हो सेंसरशिप एक्ट वगैरह भी आप कहते हो। तो इस मूवमेंट के चलते ही क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है जलियांवाला बाग मसैकर होता है, जहाँ पर कुछ लोग जो है इकट्ठा होते हैं थ्री मतलब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पर जो है जनरल डायर आता है और वो बोलता है कि ओपन फायर कर दो, बल्कि लोग जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना इकट्ठा हुए थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और वो पीसफुली इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस पर्टिकुलरली जनरल डायर के कमांड के बाद 379 लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी जाती है, जिसके आप आज भी अगर आप अमृतसर जाते हो पंजाब में, तो आपको वहाँ पर जो है जलियांवाला बाग जो है देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो है जलियांवाला बाग मसैकर की जो स्टोरीज है वो भी आज आप देख सकते हो और सुन सकते हो। तो इसी के साथ जो है और फिर ये मूवमेंट चलते रहता है, फिर आपको पढ़ने को मिलेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ खिलाफत मूवमेंट, और उसके बाद फिर छोरी छोरा इंसिडेंट, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब हम एक एक मूवमेंट को जो है डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो आपको ये इसके बेसिक्स ऑलरेडी पता होंगे, आई होपफुली मैं सोचती हूँ कि आपको पता होंगे क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था ब्रिटिशर्स द्वारा, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया था, वो ये काम कर दिया था कि इसने हिंदू और मुस्लिम को साथ में ला लिया था। कैसे? क्योंकि देखिए सेंसरशिप पे जो मतलब प्रेस पे जो सेंसरशिप लगाई गई है ये हिंदूज के लिए भी लगाई गई है, मुस्लिम्स के लिए भी लगाई गई है, तो दोनों जो है साथ में आकर जो है एक कॉमन कॉज के लिए लड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है ये जो है दोनों साथ में आएंगे, यूनिटी का जो है एग्जाम्पल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पर जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, और इस मिडिल क्लास के अंदर जो है एक तरीके की नेशनल अवेकनिंग थी कि हमें जो है क्या कहते हैं इस तरीके के अनजस्ट लॉस के खिलाफ खड़ा होना है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके पीछे का मतलब बैकग्राउंड क्या था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस टाइम पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। अब आपको पता है वार जब चलता है तो वॉर के अंदर कोई ऐसा तो होता नहीं है कि इकोनॉमी फ्लरिश करती है, वॉर के अंदर हमेशा एक कंट्री की जो सिचुएशन होती है, जो कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसकी सिचुएशन जो है हमेशा डिटोरिएट होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो उस टाइम पे कंट्री की डिटोरिएट हो रही थी, जो प्राइस है चीज़ों की वो बढ़ रही थी, दाम बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन हो रहा था, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन भी कम हो रहा था, क्योंकि आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने जो वर्कर्स थे उनको उठाकर जो है लड़ने के लिए भेज दिया था वॉर, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है एक तरीके से केओस क्रिएट होता है, ना प्रोडक्शन है और ना ही जो है हमारे पास ईटेबल्स है, और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब जब जनरल डायर का जो इस तरीके का स्टेप होता है कि वो जलियांवाला बाग मसैकर कर देते हैं, मतलब इतने सारे लोगों को मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, तो अब जो है लोगों को समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स जो है हमारा कुछ भी भला नहीं करने वाले हैं, और ब्रिटिशर्स ने कभी हमारा भला करने के बारे में सोचा ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को क्लियर हो जाती है। और जब ये जलियांवाला बाग मसैकर हो जाता है तो एक हंटर कमीशन बिठाया जाता है, और हंटर कमीशन जो बैठता है उसमें भी जो है जनरल डायर को पनिश नहीं किया जाता है, बल्कि जनरल डायर को पनिश नहीं किया जाता है बल्कि इस कमीशन का काम ही यही था कि मसैकर के बारे में जो है वो पता करे, लेकिन फिर भी जो है जनरल डायर को पनिश नहीं किया जाता है। इससे लोगों के अंदर जो है एक तरीके की आक्रोश जो है लोगों के मन में आ गया था कि अब जो है ब्रिटिशर्स को हमें जो है कंट्री से भगाना ही है। साथ ही साथ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी चल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मतलब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारा जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था अर्लियर, जो हमें इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू दिया था और बहुत सारे अलग अलग एक्ट के थ्रू हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था,
उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। और इस पर्टिकुलर रिफॉर्म के साथ ब्रिटिशर्स जो है सेल्फ गवर्नमेंट का जो राइट है वो इंडियन से छीन लेते हैं। कैसे छीन लेते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से छीन लेते हैं। वो क्या करते हैं, एक डायरकी इस्टेब्लिश करते हैं। डायरकी मतलब पावर डिवाइडेड इन टू। तो उसमें वो बताते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स जो थे जैसे कि फाइनेंस, लॉ और ऑर्डर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे रिजर्व सब्जेक्ट्स रखते हैं और ये जो है सब गवर्नर के अंदर आ जाता है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे रखते हैं जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये मिनिस्टर्स के अंदर होते हैं। और मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश लेजिस्लेचर के लिए, ब्रिटिश लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके मतलब ये है कि दोनों तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में पूरी पावर जो है कॉन्सेंट्रेट करके रखी थी। अब आपको पता है कि उस टाइम पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो थी टर्की थी, टर्की में ओटोमन एम्पायर था, ठीक है। अब होता क्या है कि पूरे मुस्लिम्स जो है जितने भी वर्ल्ड के, वहाँ पर जो है टर्की के जो सुल्तान को स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, यानी खलीफा मानते थे। तो खलीफा मानते थे, और उस टाइम पे यह होता है कि जो टर्की होता है, टर्की जो है वॉर में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता है, और इसलिए जो है ब्रिटिशर्स जो है टर्की का जो खलीफा होता है यानी सुल्तान जो होता है वो सुल्तान को जो है पावर से हटा देती है। और जो है इसके वजह से इंडियन मुस्लिम्स जो है वो बोलते हैं कि हमें जो है वापस हमारा जो सुल्तान है उनको जो है वापस कंट्रोल मिल जाना चाहिए। और इसी के साथ जो है ये लड़ाई शुरू हो जाती है, और इंडिया के अंदर एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश होती है जो कि अली ब्रदर्स यानी शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों मिलकर एक लीडरशिप फॉर्म करते हैं, और साथ में अजमल खान, हसरत मोहानी, ये लोग मिलकर एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये रहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि आप वापस जो है टर्की के खिलाफ जो एटीट्यूड रख रहे हो उसको चेंज करो। और इसके वजह से जो है पूरे इंडिया में जो है एजिटेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो आक्रोश है वो बढ़ते जाता है। अब गांधी जी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। देखा जाए उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के, गांधी जी इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि गांधी जी को एक ऐसा कॉज चाहिए था जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में आ सके, और खिलाफत मूवमेंट जो था वो एक ऐसा कॉज था, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ कंबाइन कर दिया। और गांधी जी यहाँ तक के बताते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो अगले 100 साल में नहीं आएगी, तो गांधी जी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ मिलकर पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर लोगों को बोलते हैं कि आप ये मूवमेंट ज्वाइन करो। और इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दो, ठीक है, कॉलेजेस छोड़ दो और नेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लो। लॉयर्स को बोला जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दो। उस लॉयर्स में जो थे आप देखोगे सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, तो इन सबको कहा जाता है कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस जो है क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर कर रहे हो उसको छोड़ दो। और जो फॉरेन क्लोथ होता है उसको जला दिया जाता है, और ब्रिटिशर्स के इम्पोर्ट्स जो है वो गिरने लगते हैं, और साथ साथ जो फॉरेन लिकर शॉप्स होती है लिकर शॉप्स को भी जो है पिकेटेड किया जाता है। और साथ साथ पीजेंट्स जो है अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो है लड़ाई करते हैं बहुत सारे जगह पे, राजस्थान, सिंध, अवध, आसाम और महाराष्ट्र, क्योंकि आप देखोगे कि हर जगह पे जो पॉलिसीज थी पीजेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा अनजस्ट थी, इसलिए कहीं ना कहीं पीजेंट्स के मन में जो थे एक आक्रोश जो है वो भरा हुआ था। इसी के साथ विमेन जो है, विमेन का भी इमेंसिपेशन का जो है काम शुरू होता है, और इस मूवमेंट में जो है विमेन भी आगे आती है, और विमेन जो है अपना डोनेशन देती है, अपनी सारी एसेसरीज वगैरह भी देती है तिलक फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, जहाँ पर विलेजर्स ने 22 पुलिस मैन को जिंदा जला दिया था एक लोकल पुलिस स्टेशन में। और ऐसा होने के बाद गांधी जी जो है कहते हैं कि नहीं, अब जो है लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी है, अपनी हदें पार कर दी है, और इस हमारा मेरा जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का उसे जो है लोगों ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिस्ट्रक्ट कर दिया है, अब मैं ये जो मूवमेंट है ये वापस लेता हूँ। तो इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा जो एक ग्रेट मूवमेंट होता है, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर उसको अच्छे से कंटिन्यू रखा जाता तो हो सकता था कि हमें जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस है वो शायद 20 या 30 साल पहले मिल जाती। तो वो मूवमेंट कंटिन्यू नहीं रखा गया क्योंकि जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे उसके अगेंस्ट जो है चीज़ें चले गई। इसके लिए गांधी जी को बहुत बार क्रिटिसाइज़ भी किया गया, गांधी जी जेल भी गए, लेकिन
फिर भी जो है गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो क्या कहते हैं मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, तो मैं तो है ना क्या कहते हैं नहीं करूँगा ये मूवमेंट को, मैं विड्रॉ करता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अब आप देखोगे कि जब 1919 पे जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ और 1922 में जो विदड्रॉ किया गया, उसके बाद करीबन 10 साल तक के कोई मास मूवमेंट नहीं होता है जब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं आता है 1932 में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी और कांग्रेस दोनों के अंदर एक सिचुएशन नहीं थी कि वो लोग जो है एक मास मूवमेंट जो है लॉन्च कर सकें, और इसी के कारण जो है वो एक मास मूवमेंट नहीं लॉन्च कर पाते हैं। और साथ साथ इस ये ऐसा टाइम था जहाँ पर छोटे छोटे रिवॉल्ट तो हो रहे थे, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग पीजेंट्स जो है वो अपने अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, लैंड होल्डर्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर रहे थे। अब बात करते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ उसका बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड की बात करते हैं तो क्या होता है कि 1928 में कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का, मतलब कलकत्ता में एक सेशन होता है और वहाँ पर कुछ लीडर्स होते हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और वो बताते हैं कि जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर दो तरीके के स्प्लिट हो चुके थे, मतलब एक हो चुका था मॉडरेट, एक हो चुका था एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स क्या चाहते थे? डोमिनियन स्टेटस चाहते थे इंडिया के लिए, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो वैसे ही उसी चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस टाइम तक के 1928 में कुछ लीडर्स थे जिन्हें स्वराजिस्ट कहा गया, जो चाहते थे कि इंडिया को कंप्लीट स्वराज मिले, या फिर पूर्ण स्वराज जिसे हम कहते हैं, या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हो फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये जो लीडर्स थे, ये लीडर्स जो है इमर्ज होकर आते हैं और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के उन लीडर्स के खिलाफ इमर्ज होकर आते हैं जो इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है अब जो है पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, लेकिन गांधी जी जो है वो बोलते हैं कि अगर आप लोग ऐसा आपस में लड़ते रहोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो मतलब मूवमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, इससे अच्छा आप एक काम करो कि आप जो है नॉन कोऑपरेशन करते रहो। नॉन कोऑपरेशन करने से धीरे धीरे ही चीज़ें होगी, लेकिन होगी। इसलिए गांधी जी 1929 के अंदर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, और ट्रैवलिंग कर करके लोगों को बोलते हैं विलेजेस में जा जाकर कि आप फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दो, और साथ साथ आप जो है पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ, मतलब फॉरेन क्लोथ को लाओ और सामने सबके सामने जला दो। इस तरीके की चीज़ें जो है गांधी जी कहते हैं। अब बात करते हैं अरविंद डिक्लेरेशन की। तो अरविंद के जो उस टाइम पे वाइस रॉय थे, उनका डिक्लेरेशन होता है 1929 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस डिक्लेरेशन के अंदर जो है जो वाइस रॉय है अरविंद, वो बताना चाहते हैं, वो ये करवाना चाहते हैं कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस का वापस जो है फेथ बन जाए ब्रिटिश पॉलिसीज में। तो अरविंद ये कहते हैं कि मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, और साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको जो है हम देंगे। अब क्या होता है कि दिल्ली मैनिफेस्टो, तो दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 में होता है। उस टाइम में जो इंडियन लीडर्स आते हैं वो ये मांगते हैं कि चलो आपने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, आप हमें एटलीस्ट जो है मेजोरिटी का रिप्रेजेंटेशन तो दे दो, ठीक है, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज तो कर दो। लेकिन है ना वो बात भी वो मानते नहीं है, और अरविंद जो है ये बात मानते नहीं है और उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर आपको पता होगा कि लाहौर सेशन होता है, लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि हम 26 जनवरी 1930 के दिन मिलकर एक इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, और उस दिन जो है हम लोग एक प्लेज लेंगे, और ये जो है स्वराजिस्ट द्वारा किया जाता है। और उस टाइम पे ये होता है कि हर जगह पे मीटिंग्स होती है ऑल ओवर इंडिया में, और प्लेज ली जाती है। प्लेज ये थी कि फ्रीडम वॉज द इनएलिनेबल राइट्स ऑफ इंडियन, तो फ्रीडम जो है इंडियंस की इनएलिनेबल राइट है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को जो है हर चीज़ में पीछे कर दिया है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली, और अब इंडियंस का काम है कि वो इंडिपेंडेंस जो है वो गेन कर लें। तो जहाँ पर लोग जो है वो चाहते थे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएं, वहीं पर गांधी जी जो है चीज़ों को थोड़ा स्लोली चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर क्या मांगा, उन्होंने ये मांगा, कुछ डिमांड्स थी उनकी, उनकी डिमांड्स थी पीजेंट्स रिलेटेड, एजुकेटेड एलीट और बिजनेस क्लास से रिलेटेड थी। पहली डिमांड ये थी कि जो आर्मी पे और सिविल सर्विसेज पे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको 50% रिड्यूस कर दो, ठीक है। सेकेंडली वो मांगते हैं कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप करते हो उसका तरीका आप बदलो। तीसरी चीज़ वो मांगते मांगते हैं मांगते हैं कि
आप जो है फायर आर्म्स का कंट्रोल जो है शुरू करवा दो लाइसेंस के थ्रू। दूसरी चीज़ ये कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दो, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है कैदी बना लिया गया था उस। और उसके बाद वो बोलते हैं कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी आप शुरुआत करवाओ, उसके अलावा कोस्टल शिपिंग जो है वो इंडियंस के लिए जो है कम करवा दो, और लैंड रेवेन्यू 50% कम करवा दो, और सॉल्ट टैक्स जो है वो एबॉलिश कर दो। तो बेसिकली उस टाइम पे गांधी जी का एम ये था कि मतलब कुछ बेसिक बेसिक डिमांड वो करते हैं कि फुलफिल की जाए। तो फिर शुरुआत होती है डांडी मार्च की। अब डांडी मार्च आपको पता होगा बहुत अच्छे से, अपने बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े होंगे कि 12 मार्च 1930 में गांधी जी साबरमती आश्रम के लोगों के साथ अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद से जो उनका अपना साबरमती आश्रम था वहाँ से वो जाते हैं दांडी के कोस्ट में, वहाँ पर जाके वो नमक बनाते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और साथ साथ लोगों को कहा जाता है कि जो समुद्र का पानी है उससे जो है आप क्या करो, नमक बनाओ। इससे पहले जो है गांधी जी नोटिस लिखते हैं किसको, टू द वाइस रॉय, कि मैं जो है नमक लॉ ब्रेक करने वाला हूँ। इसे बताते हैं क्यों ब्रेक करने वाला, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लॉ मतलब उस पर टैक्स लगा दिया है। और गुजरात में करीबन 300 विलेजेस जो है रिज़ाइन कर देते हैं गांधी जी की अपील को सुनते हुए। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से गांधी जी की अपील कितनी ज़्यादा मास अपीलिंग थी। और वहाँ पर जाके फिर जैसे कि गांधी जी जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, फिर उनको सज़ा भी होती है, उनको जेल भी होती है, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। अब देखिए बात ये नहीं है कि आपने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया तो क्या ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे से टैक्स हटा दिया, या फिर वो सक्सेसफुल था या नहीं था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ते जा रहा था, और सिर्फ लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिसिपेशन भी बढ़ते जा रहा था। मतलब अलग अलग तरीके के लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि पहले विमेन जो है नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी, अब गांधी जी कहते हैं कि आप विमेन को बोलते हैं कि आप जो है पार्टिसिपेट करो। तो विमेन जो है जो लिकर शॉप होती है उसको पिकेटेड करने में और फॉरेन क्लोथ को जलाने में पार्टिसिपेट करती है। स्टूडेंट्स जो है उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम्स पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के, और साथ साथ जो है मुस्लिम विविंग कम्युनिटी थी जो बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, तो वो भी जो है पार्टिसिपेट करती है। मर्चेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ट्राइबल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और पीजेंट लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ तक ही हम देखते हैं कि किस तरीके से गांधी जी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये था कि भले ही धीरे धीरे हो लेकिन मास अपील हो। अब होता है गांधी अरविंद पैक्ट, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें फाइनली जो है अरविंद जो है उस टाइम पे वाइस रॉय रहते हैं, वो बहुत सारी डिमांड को जो है मान लेते हैं। और उसमें जैसे कि डिमांड रहती है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसको रिलीज कर दिया जाए, और जितना भी लैंड जो है ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली एक्योर कर लिया था वो सब लैंड जो है वापस रिटर्न कर दिया जाए। उसके बाद आप जो है विलेजेस जो है वो सॉल्ट बना सकती है खुद की कंजप्शन के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग को भी उन्होंने राइट दे दिया, मतलब जो है राइट दे दिया था। उसके अलावा हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएशन की। तो अर्लियर क्या था कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट हुआ करते थे उसके अंदर जो है एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अगेंस्ट जो है गांधी जी जो है रिवॉल्ट करा करते थे, जैसे कि चंपारण हो गया, उसके बाद आप देखोगे रॉलेट एक्ट हो गया। तो अब सिविल डिसोबीडियंस का मकसद जो है वो चेंज हो चुका था, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस का मकसद हो गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक ये पूर्ण स्वराज का जो है डे भी हम सेलिब्रेट कर चुके थे। तो अब बात हो रही थी नॉन कोऑपरेट मतलब नॉन कोऑपरेशन के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही थी। और गांधी जी ने जो चीज़ सोची थी कि नॉन कोऑपरेशन का जो आइडिया है उसके बारे में जो गांधी जी ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जो है इंडियंस एनलाइटन हो गए थे। अब इंडियंस जो है खुद ही जो है सेल्फ रूल की बात करने लग गए थे। और साथ साथ इसी टाइम पे जो है स्टूडेंट्स का भी ज़्यादातर इंक्रीज होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लॉयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके साथ जो है इसमें जो है हम देखने को मिलता है मर्चेंट और ट्रेडर्स भी हमको देखने को मिलता है पार्टिसिपेट करते हैं। और अब जो है कांग्रेस स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट पार्ट था और मॉडरेट पार्ट था, दोनों जो है एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, रिवॉल्ट मिलकर नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब सब लोग मिलकर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ में सामने आते हैं। अब बात करते हैं पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड 1932 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। कम्युनल अवार्ड क्या था उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए कम्युनल अवार्ड जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1932 के अंदर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो की जाती है वो ये होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन होता है,
और साथ साथ जो है कुछ डिप्रेस क्लासेस होती है, जैसे मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस और दूसरी डिप्रेस क्लासेस, उन सब के लिए जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का सीट्स जो है रिजर्व की जाती है। और बी आर अम्बेडकर जो है वो तो जो है इसके लिए लीडर रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और गांधी जी सोचते हैं कि ये जो है ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, मतलब इंडिया को डिवाइड करना और अपने आप में रूल करना। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इशू चलता है, कुछ लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सपोर्ट करते हैं, कुछ गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। अब फाइनली जो है इसी इसी बहस के चलते रामसे मैकडोनल्ड जो है कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो कम्युनल अवार्ड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो कम्युनल अवार्ड क्या था, कम्युनल अवार्ड के चलते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अंदर जो है सीट्स जो है वो कम्युनल बेसिस पे डिवाइड होने लग गई थी। अब पहली बात तो पहले क्या होता था कि नॉर्मल इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अब जो है सीट्स को इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था कि वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। और जहाँ पर भी मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में रहेंगे उनको फेवर मिलेगा, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जितनी सीट्स थी उसका डबल कर दिया गया था, और 3% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। और साथ साथ डिप्रेस क्लासेस के लिए 2 बार वोट, मतलब डबल वोट, एक तो जनरल इलेक्टोरेट के लिए अंदर वोट होंगी और एक जो होगा सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर वोटिंग होगी। और बॉम्बे के अंदर, ये जो बॉम्बे आज के टाइम में आप देखते हो मुंबई वाला बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे उस टाइम पे बहुत अलग था, तो बॉम्बे में 7 सीट्स मराठास को दी गई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे जो है माने जाते थे कि डिप्रेस क्लास है बॉम्बे रीजन के अंदर। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी सोचते हैं कि ये जो है डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ब्रिटिशर्स हमारी यूनिटी के ऊपर, और गांधी जी जो है इनडेफिनेट फास्ट पे चल जाते हैं। और एज अ रिजल्ट ये होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फाइनली इससे जो है फाइनली जो है मानना पड़ता है, और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उनको गिव अप करना पड़ता है, और वो पूरा पैक्ट साइन करते हैं 1932 में, जिसमें वो अपना जो ये डिमांड है उसको ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो सबसे थर्ड और फाइनल मूवमेंट जो हमारे इंडिया में आता है वो होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा, मतलब इंडिया छोड़ो आंदोलन। तो ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि क्यों आया था और इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भेजा गया था ताकि इंडिया के बारे में इंक्वायरी की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के बारे में इंक्वायरी की जाए। और इसके पहले हम अगर समझे तो देखिए, जो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने वादा किया था इंडियंस को कि अगर आप अपनी ब्रिटेन के लिए अपनी इंडियन आर्मी को भेजते हैं तो हम आपको जो है इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है क्रिप्स मिशन आता है और डोमिनियन स्टेटस देता है इंडिया को, और जो डोमिनियंट स्टेटस देता है वो कम्प्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देता है, इसलिए इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इसलिए जो है उस टाइम पे एक और डिमांड चालू हो गई थी कि मुस्लिम लीग जो जाती थी कि अलग तरीके से हमारा एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिएट हो। क्यों क्रिएट हो, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अपना कम्युनल जो चीज है वो बो चुके थे, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है वो हम पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वॉर होता है तो अच्छी सिचुएशन नहीं होती इकोनॉमिकली, तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब जो है प्राइस राइज होने की वजह से जो है और क्रॉप्स फेल होने की वजह से परेशान थे। फिर उस टाइम पे ये होता है कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास होता है। अब हम बात करते हैं कि क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कैसा होता है और क्यों होता है। तो कांग्रेस ने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी 1942 में, और उसमें उन्होंने जो है एक रिजोल्यूशन बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन क्या बनाया था, रिजोल्यूशन किसने पास किया था, नेहरू ने पास किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पास किया गया था, और इसे 8 अगस्त 1942 में जो है एक्सेप्ट कर दिया गया था। अब ये रिजोल्यूशन किस तरीके से था, ये रिजोल्यूशन के तहत ये मांगा गया था कि हमें ब्रिटिशर्स के रूल को इमीडिएटली ख़त्म करना है, और हमें जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी है ब्रिटिशर्स के हटने के बाद, और हमें जो है फ्री इंडिया का जो है कमिटमेंट को डिक्लेयर करना है, और हम बोलेंगे कोई भी तरीके का हमारा जो है फॉरेन रूल नहीं होना चाहिए। तो अब गांधी जी ने लोगों को बोला कि आप जो है अलग अलग तरीके से इसको सपोर्ट कर सकते हो। तो गांधी जी ने किस तरीके से बोला, जैसे कि बोला कि उन्होंने कहा कि लॉयर्स को कि रिज़ाइन मत करो, बट उन फिर भी जो है कांग्रेस की तरफ ओबीडियंट रहो। और वो बोलते हैं सोल्जर्स को कि आप आर्मी मत छोड़ो, वो बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, पीजेंट्स को बोलते हैं रेंट मत पे करो, ठीक है, प्रिंसेस को बोलते हैं कि मासेस को सपोर्ट करो, उसके बाद प्रिंसली स्टेट को बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट के लोगों को बोलते हैं कि जो रूलर्स जो है एंटी गवर्नमेंट है उनको ही सपोर्ट करो। क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या होता है कि प्रिंसली स्टेट में से कुछ लोग को मालूम था कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस आ जाएगी तो उनका जो है प्रिंसली स्टेट का डोमिनेंट जो है वो भी स्टेटस
जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट वो नहीं बन पाएंगे प्रिंस, तो इसलिए वो जो है बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, इसलिए लोगों को बोला उन्होंने कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करो, उन्हीं प्रिंसेस को सपोर्ट करो जो एंटी गवर्नमेंट हो। और वो उन्होंने फाइनली डू और डाई का जो है स्टेटमेंट दिया, यानी करो या मरो, ठीक है, डू और डाई। और लेकिन ब्रिटिशर्स तो जो है, ब्रिटिशर्स का मूड था कि हम मूवमेंट को जो है सप्रेस कर दें, ठीक है। तो उसने उन्होंने जो है सारे लीडर्स को 9 अगस्त 1942 में अरेस्ट कर लिया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बाकी सारी कमिटीज जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस टाइम पे भी हम देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम साथ में ही लड़ाई लड़ते हैं। आपको देखने को मिलेगा वीमेन लीडर्स अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता, ये लोग मूवमेंट को लीड करते हैं, साथ साथ वर्कर पीजेंट और जमींदार भी पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम भी जो है क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट को जो है शेल्टर देते हैं अपने घरों में, और कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट ये करते हैं कि ब्रिटिशर्स को हेल्प, लेकिन जो कम्युनिस्ट होते हैं तो कम्युनिस्ट क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब कम्युनिस्ट की कहानी अलग है, कम्युनिस्ट आपने पढ़ा होगा, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म आपने सब चीज़ें पढ़ी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी भी है इंडिया के अंदर, तो वो सब चीज़ें अलग है, वो थोड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। अभी के लिए आप ये समझिए कि कम्युनिस्ट जो है वो भी एक तरीके का जो सेक्ट था, वो कांग्रेस के अंदर से निकल कर आता है और वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है। तो जो इंडियन मुस्लिम थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम, आपको पता है 90% ऑफ मुस्लिम कभी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, वो तो मुस्लिम लीग कुछ तरीके की पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ लोगों के कारण जो है बनी थी, और कुछ लोगों ने ही जो है क्या कहते हैं डिमांड रखी कि हमें जो है अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बल्कि बहुत सारे मुस्लिम जो है लड़ाई लड़ रहे थे इंडिया में जो है हिंदू के साथ मिलकर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम ये मूवमेंट नहीं लॉन्च कर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए तो फिर उनको जो है ऑप्रेस किया जाएगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी की तरह उनको ऑप्रेस किया जाएगा, इस तरीके से जो है इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब ब्रिटिशर्स इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो ब्रिटिश अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं कि मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं, लाठी चार्ज जो है उनके ऊपर करते हैं, टीयर गैस जो है वो करते हैं, और इवन उनके ऊपर कभी कभी फायर भी कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए, और विलेजेस में जो है फाइन लगा दी जाती है, और बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारी जगह पे जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, जैसे कि आप देखोगे ईस्टर्न यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मिडनापुर। बट हमें ये देखना है कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें उन्होंने बोल दिया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये फाइनल कॉल था, ठीक है। जितने भी मूवमेंट्स थे उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेशन तो हुआ था लोगों के द्वारा, और इस मूवमेंट में तो फाइनली जो है ये मान लिया गया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखाई इंडियंस की तरफ, लेकिन उसके बावजूद इंडियंस जो है पीछे नहीं हटे। कई कई पर जो गांधीयन प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, वो भी फॉलो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है मूवमेंट चलता रहा, और फाइनल गोल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो तो 1947 में अचीव होता है। लेकिन 1947 में अचीव होने के पहले उसकी शुरुआत आप देखोगे 1945 से हो गई थी, और किस तरीके से पावर जो है ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पर लेबर पार्टी आती है, ये सब चीज़ें जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर किस तरीके से हुई थी, ये सब हमने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया था। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे तो आप यूनिट नंबर 2 के वीडियोस जाकर देख लीजिए, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था माउंटबेटन प्लान के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, और किस तरीके से इंडिया के जो इंडिपेंडेंस है वो किस तरीके से गेन हुई, और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या जो है रोल था वो भी हमने डिस्कस किया था। अब हम इसी के साथ हमारे समरी पे आ गए हैं, और ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा, और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। समरी में आपको बता देती हूँ, तो इस पूरे जो हमारा चैप्टर था ये गांधी जी से रिलेटेड था, तो हमने समझा कि गांधी जी जो है किस तरीके से एक लीडर बनते हैं, उनके क्या फैक्टर्स रहते हैं रिस्पॉन्सिबल उनको लीडर बनाने के लिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझी कि जैसे वो जो है खादी का सिंबल यूज़ करते थे, धोती का सिंबल यूज़ करते थे, और इस उनकी जो अपीयरेंस थी वो लोगों की तरफ जो है मिलती थी, इसलिए गांधी जी जो है लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, और इसकी वजह से जो ज़्यादातर लोगों को अपील कर पाए। और दूसरी बात, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने की कोशिश की, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इसकी वजह से वो जो है ज़्यादातर लोगों को अपील कर पाए। और साथ ही साथ उनका जो है जो टीचिंग स्टाइल था, जो पर्सोना था उनका, एक पर्सनैलिटी जो उनकी थी वो इस तरीके से थी कि उन्होंने जो है एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट जो है क्रिएट किया था लोगों के ऊपर। और उनके जो आइडियोलॉजी थी, क्योंकि आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आइडियोलॉजी, और गांधी जी की आइडियोलॉजी ये थी कि मींस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एंड्स। तो वो कहते हैं ना कि 1,000 साल तक मुझे इंडिपेंडेंस ना आए चलेगा, लेकिन नॉन वायलेंस का यूज़ नहीं करना है। तो जो मतलब जो मींस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मींस को यूज़ करते हुए गांधी जी ने बोला कि नॉन वायलेंस को हमें जो है यूज़ करना है, सत्याग्रह को हमें यूज़ करना है।
इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नोट्स अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे और लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।